चल 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 पिंपल यादव जिंदाबाद 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 पिंपल यादव जिंदाबाद 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 पिंपल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में जिनका लगभग सभी लोग बेसब्री से जय 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 जो मंच में बैठे थे उन सबका धन्यवाद दूंगी। और सभी जानते हैं कि आज पूरा प्रदेश और देश बाबा साहब जयंती मना रहा है। 132 साल जहाँ यहाँ पूरे हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं हम सभी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमेशा जाति व्यवस्थाओं का विरोध किया है, हमेशा समाज को एकत्र करके आगे बढ़ाने की बात करी है, हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की बात करी है। जहां उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया है, क्योंकि ये शिक्षा ही ऐसा रास्ता है जो हम सबको हमारे आने वाली पीढ़ियों को आगे ले जाने का काम कर सकता है। और जो व्यक्ति सही शिक्षा पा लेगा वो अपनी समझ से अपने ज्ञान से आगे बढ़ ले जाएगा अपने आप को और अपने समाज को। तो जितने लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मेरा सभी से अनुरोध है, सभी माताओं बहनों को कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को अपनी बेटियों को अपने बेटे को खूब पढ़ाइए, जिससे कि वह अपने आने वाले समय के रास्ता और राह तय कर सके और समाज को सबको मिलकर आगे बढ़ाने का काम करे। और इन्हीं पद चिन्हों पर जो शिक्षा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की रही है, जिन्होंने हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध किया है, जिन्होंने दबे कुचलों शोषितों की बात करी है, उनको सामान्य धारा में कैसे लेके आए उसकी बात कही है, इन्हीं विचारधाराओं पे इन्हीं समानता और समानता जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा रही है, इसी विचारधारा को हम सबको मिलके आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ। धन्यवाद।